रहीम कवि का एक बहुत ही प्रचलित दोहा है, रहिमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी इठलई हैं लोग सब, बाँटी न लई हैं कोय। अर्थात अपने मन के दुख, अपने मन के दर्द को, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि सुनने के बाद दुनिया हमारा उपहास ही करती है, हमारा मजाक ही बनाती है, या खुद हमको दुखी देख करके इतराती है, इठलाती है, हमारे दुख और दर्द को दूर करने का कोई प्रयास नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि मन की बात को कह लेना चाहिए, मौन का जहर नहीं पीना चाहिए। मौन को जहर के समान, विष के समान बताया गया है, जो अंदर ही अंदर हमारे लिए हानिकारक साबित होता है। मौन मन को हमेशा घुटन देता है और घुटघुट करके मन अधीर हुए जाता है, इसका कोई उपाय नहीं मिल पाता। अतः यदि हम कह देते हैं अपने मन की बात, किसी के सामने प्रकट कर देते हैं, तो इससे हमारा हृदय थोड़ा हल्का हो जाता है। सूरदास के दूसरे पद मन की मन ही माझ रही में गोपियों की ऐसी ही स्थिति का वर्णन है। गोपियाँ उद्धव के पास यह जानकर आई थीं कि उद्धव उन्हें कृष्ण का संदेश देंगे, और इनकी स्थिति का वर्णन या ये उद्धव से अपने मन की जो बातें कहेंगी वह जाकर के कृष्ण को सुनाएंगे। इस प्रकार कृष्ण और गोपिकाओं की जो दूरी है शायद वह दूर हो जाए, लेकिन उद्धव द्वारा योग और वैराग का संदेश सुनने पर गोपियों के मन में यह प्रबल विश्वास हो गया कि अब इनसे कहने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, बहुत बार परिस्थितियों को देख करके हम अपने मन की बात कहते हैं या अपने मन की बात को अपने मन में ही रख लेते हैं। यहाँ परिस्थिति जो है वह गोपियों के प्रतिकूल है, गोपियों के उलट है। चूँकि गोपियाँ प्रेमी हैं, जैसा कि मैंने पहले पद में बताया था कि गोपियाँ प्रेम मार्गी हैं और उद्धव ज्ञान मार्गी हैं, तो दो विपरीत विचारधारा के लोग आमने सामने हैं। इसमें दोनों का एक दूसरे को समझना और समझाना मुश्किल है। गोपियाँ चूंकि अपने पहले पद में आपने देखा है कि अपने तर्कों से उद्धव को कैसे बड़भागी कहते हुए भी अभागा बताती हैं, तो यहाँ गोपियाँ ये समझ गई हैं कि अब इनसे हमको हमारे मन की बात कहने का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अतः उनके मन की बात मन में ही रह गई और उन्होंने कहा कि मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै ऊधो, नाहीं पड़त कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन योग संदेश नि सुनि सुनि, बिरहन बिरह दही, चाहत हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्जा दान लही। भोजपुरी में इसका बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। जीव से सहात नहीं खे, जिया से कहात नहीं खे, हिया से हटत ना गजब रीत नेह के। अर्थात नेह की रीत ही निराली होती है, इसको सहना भी मुश्किल होता है और इसको कहना भी मुश्किल होता है, इसे छुपाना भी मुश्किल है और बताना भी मुश्किल है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बातें हमारे मन में ही रह गई, कहिए जाई कौन पै ऊधो, नाहीं पड़त कही, अब हम आपसे कैसे कहें, क्यों कहें, किस लिए कहें, कहने में कुछ बन नहीं रहा है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमने कृष्ण के आने की आशा में अपना एक एक क्षण बिताया है, हर बीतता हुआ क्षण हम इसलिए जी पाते हैं या हमारी सांसें अगले क्षण इसलिए चल पाती हैं कि हमको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कृष्ण आएंगे। इसीलिए हमने तन मन बिथा सही, तन से भी दुख सहा है और मन से भी दुख सहा है, लेकिन अब इन योग संदेश नि सुनि सुनि, बिरहन बिरह दही। अब आपके द्वारा इस योग का संदेश सुन सुन करके हमारे विरह की अग्नि
और बढ़ रही है। हमें ये पक्का भान हो गया है, हमें ये पक्का एहसास हो गया है कि कृष्ण अब नहीं आने वाले हैं। चाहत हुती गुहार जीत हित उतते धार बही। हम अपने मन को, हम अपने हृदय को जितना अधिक नियंत्रित करना चाहते हैं उतना ही अधिक वह विह्वल हुए जाता है। हम ये नहीं चाहते कि हमारे अंदर के दर्द को दुनिया देखे, हम ये नहीं चाहते कि हमको रोते हुए कोई देखे, लेकिन आँखें हैं, पलकें हैं जो आंसुओं के धार को रोक नहीं पाती हैं। अंदर आंसुओं की धारा इतनी तीव्र गति से हिलोड़े ले रही हैं कि पलकों का बांध उन्हें रोकने के लिए कमज़ोर साबित हो रहा है। आप हमें धीरज रखने के लिए कह रहे हैं, आप हमें मर्यादित तरीके से अपना जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं, आप हमें योग, ज्ञान और वैराग्य का संदेश दे रहे हैं, लेकिन अब धीरज धरने से क्या फ़ायदा। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। अब तो मर्यादाएँ रही नहीं, अब तो मर्यादाएँ टूट चुकी हैं, हर मर्यादा का उल्लंघन हो चुका है। यहाँ मर्यादा न लही के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो गोपियों की मर्यादा न लही, इसलिए कि वो महिलाएं जिनको घर की दहलीज के अंदर रहना है, जिनको पर्दे में रहना है, वो जंगल जंगल वन वन भटक करके कृष्ण को खोज रही हैं, कृष्ण को याद कर रही हैं। दूसरी, कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। प्रेम की मर्यादा तब रहती जब कृष्ण खुद आते या किसी ऐसे व्यक्ति को उनके पास भेजते जो प्रेम के महत्व को, जो प्रेम के मर्म को समझता। लेकिन कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति को उन गोपियों के पास जो कृष्ण प्रेम में विह्वल हैं, पागल हैं, उनके पास एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया जो प्रेम का मतलब ही नहीं जानता है। पहले ही गोपियों ने कहा है कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम स्नेह के धागे से तो एकदम तुम्हारा स्पर्श तक नहीं हो पाया है, तुम्हारे मन में किसी तरीके का कोई अनुराग ही नहीं है। तो कृष्ण ने भी प्रेम की मर्यादा नहीं रखी और गोपियों की मर्यादा तो नहीं ही रही।